नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और इनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत प्यार मिल रहा है मेरे को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको एक ऐसे स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, और इसको आखिरी तक सुनना आपके लिए बहुत ही अच्छी, इसमें नॉलेज भी होगी। एक बार एक महिला, बहुत ही वृद्ध महिला थी, और वो अपने घर में अकेली रहती थी, यानी कि उसकी घर नहीं, वो बहुत बड़ा सपनों का कि उसने और उसके पति ने मिलकर अपने सपनों का। तो एक बार उनका कोई दूर का रिलेटिव वहाँ पर आया, और उसकी वाइफ और वो आदमी, तो वो लेडीज अपने पति को उस वृद्ध महिला के पास छोड़कर किसी काम के लिए बाहर चली गई। तो उसके पति ने देखा कि मैं इस महिला को कैसे खुश कर सकता हूँ, ये मेरे को बहुत ही परेशान और हताशा लग रही है। उसके बाद क्या हुआ, तो उसने जो उनका घर था उस घर को देखा, सारे घर को देखने के बाद उसने बोला कि जो आपका घर है बहुत ही खूबसूरत घर है, और इस जमाने में इस तरह का घर नहीं बन सकता और नहीं मिल सकता है। तो उस लेडीज ने बोला, हाँ ये बहुत अच्छा घर है और हमारे सपनों का घर है, और इस घर में हमने बहुत समय बिताया है, और मैं अपने पति के साथ इस घर में बहुत लंबे समय से रह रही हूँ। अब जब वो नहीं है इस घर में तो मेरे को इसकी उनकी बहुत याद आती है। इस घर में जो भी चीज़ें हैं मैं उन चीज़ों को बड़े प्यार से लेके आई, अपनी यात्राओं से जो भी सामान लाती थी उनको अपने घर में लाती थी, और उनको बड़े प्यार से सजाती थी, लगाती थी, और मैंने बड़ा लंबा समय दिया इस घर को सजाने संवारने में। पर आज के आदमियों में जो आज के हैं उनको कोई भी इस घर की परवाह नहीं है, उनको तो बस एक छोटे से अपार्टमेंट से ही काम चल जाता है, और अपनी गाड़ियों में बैठकर इधर आते हैं। वो महिला बड़ी ही एक्साइटेड हो गई और वो बोली कि आओ मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाऊं। उस महिला ने उस व्यक्ति के को ले जाकर अपना सारा घर दिखाया, एक एक कमरा दिखाया, एक एक चीजें दिखाई, और जब उस आदमी ने उन चीजों की दिल खोलकर तारीफ की तो वो वृद्ध महिला, और उस महिला ने बोला कि तुम सच्चे आदमी हो और तुम अच्छी चीजों की अच्छी परख है तुम्हें, और अच्छी। तो वो महिला उस व्यक्ति को अपने गैरेज में ले गई और वहां पर एक कार खड़ी थी। उस कार को देखकर उस महिला ने बोला कि ये मेरे सपनों की कार है, मैं इसके अपने हस्बैंड के साथ में इसमें बहुत घूमी थी, पर जब से वो मेरे हस्बैंड इस दुनिया में इससे गए हैं तो आज तक मैं इस कार में नहीं बैठी हूँ। ये कार से मेरे बहुत सारे ड्रीम जुड़े हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम इस कार को रख लो, क्योंकि तुम्हें अच्छी चीज़ों की परख है या अच्छी चीज़ों की कदर है। तो उस लेडीज ने वो कार उसको गिफ्ट देने के लिए बोला, पर जब वो व्यक्ति ने बोला कि मैं तो आपका दूर का रिश्तेदार हूँ और मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, और इससे पहले तो आपके बहुत से और रिश्तेदार हैं जो वो तो मेरी कब से मरने की वेट कर रहे हैं कि कब मैं मरूँ और कब वो इस कार पे कब्जा करें, मैं ये कार किसी को नहीं दूंगी। तो फिर उस व्यक्ति ने बोला, अच्छा तो आप इसको नहीं दोगी तो फिर आप इसको बेच सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे डॉलर मिलेंगे। तो लेडीज एकदम चिल्लाते हुए बोली कि मैं इसको बेच दूँ, मैं इसको कभी भी नहीं बेचूंगा, मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान आदमी, कोई अजनबी आदमी इस गाड़ी को चलाए और मेरे जो सपने इससे जुड़े हुए हैं उन पे पानी फेरे। मैं ये कार, मेरे को जी अपने बहुत यादें जुड़ी इस कार से, और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हें अच्छी चीज़ों की परख है तो ये गाड़ी मैं तुम्हें देती हूँ। व्यक्ति ने बहुत कोशिश की कि वो इस कार को अस्वीकार करे, महिला का दिल दुखाना असंभव था। तो दोस्तों इससे क्या सीखा कि किसी की भी हम सच्ची तारीफ करें तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ना ही कोई चापलूसी होनी चाहिए, पर सच्ची तारीफ करने से हमें जो हमें नहीं मिलना था वो भी हमें मिल जाता है। तो किसी की भी हम सच्ची तारीफ कर सकते हैं, और उस सच्ची तारीफ से हम किसी का भी विश्वास और किसी का भी दोस्तों, आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। सो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, उनकी सच्ची तारीफ कीजिए और उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू, आपको अच्छी लगी तो
तो इसको प्लीज लाइक करना, बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, और एक आपका लाइक मिलता है तो दिल को बहुत शांति मिलती है। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।